दान करके उसके बाद वहां से अपनी पत्नी को लेकर चले शंकर कैलाश की तरफ। और रास्ते में क्या हुआ, उसी समय सीता का हरण हुआ था जानकी जी का, और राम लक्ष्मण, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगने, पेड़ों से पत्तों से लताओं से पूछते, पपीहाओं से पूछते, पक्षियों से पूछते, तुमने हमारी जानकी को देखा, हमारी जानकी को देखा। उसी समय जा रहे थे, शंकर जी के मन में आया कि इस समय तो हमारे प्रभु लीला करने आए हैं, उनकी लीला चल रही, काश हमें दर्शन हो जाते। जाते जाते ऊपर से जा रहे थे, नीचे देखे तो प्रभु विचरण कर रहे हैं जंगल में, ऊपर से ही नीचे आए और तुरंत जय सच्चिदानंद भगवान की जय करके प्रणाम की। ये हुई दिवाली, देखो लोग आनंद ले रहे हैं आज दिवाली का पूरा पूरा। तो प्रणाम किए, सती जी पूछ बैठे किसको प्रणाम कर रहे हैं, बोले अरे ये हमारे प्रभु हैं सच्चिदानंद भगवान राम हैं। बोले राम ये भगवान है, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और ये भगवान है, किस एंगल से आप देख रहे हैं कि भगवान। बोले देवी यही तो गलती कर दी, काश तुम कथा सुनी होती, वो कुंभज ऋषि इन्हीं की तो कथा सुना रहे थे और तुम सुनी नहीं और तुम इनको मान नहीं रहे। बोले हम तो नहीं मानते। बोले ठीक है कोई बात नहीं। शंकर जी तीन बार उनको कहे कि देवी जी भगवान है, बोले हम नहीं मानते। शंकर जी कहते जब तीन बार किसी को समझा लो तो दो बार समझा लो तो तीसरी बार उसको मत समझो, अपने आप को समझाओ। क्या समझाना है कि अब इसको नहीं समझाना, ये खुद को समझा लो। शंकर जी गए बर के पेड़ के नीचे बैठे, अपना ध्यान बंद, ध्यान लगा करके प्रभु का स्मरण करने लगे। सती कहीं कहीं परीक्षा ले, बोले ठीक है जाओ लेकिन बच करके जाना। शंकर जी आज भी बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, देवी बच करके जाना, वो जीव नहीं वो जगदीश है, अगर कहीं परीक्षा लेने में अगर भूल हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सती वही अपराध, जो वहां अपराध करके आई है उसी अपराध का फल उनको मिल रहा है। जाकर के बुद्धि काम नहीं किया, देखिए जब विनाश काले भी अपने आप विपरीत दिशा में जाने लगा, अपने आप उसकी दिशा वही हो जाती है। सती हैं शंकर जी की पत्नी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में इतना नहीं आया कि पति का पत्नी का धर्म क्या होता है। स्वयं आकर के राम जी के सामने सीता का रूप लेकर के खड़ी हुई। लक्ष्मण देखे, भैया देख रहे हैं, लक्ष्मण जी पहचान गए, राम जी भी पहचान गए। राम उनको नाम लेकर के बोला, बोले कहां अकेले फिर रही हैं, वृष केतु कहां, शंकर जी कहां गए, शंकर जी को छोड़ करके जंगल में अकेले फिर रही हो। इतना सुनते ही एकदम पानी पानी हो गई सती जी और तुरंत वहां से भागी। क्यों? क्योंकि जानकी जी अपने पति के कभी आगे नहीं चली, हमेशा पीछे चले। देखिए आप किसी का रूप ले सकते हैं, उसका गुण कैसे है? अब जैसे आप देखें ना, नौटंकी में लवंडा नाचता है, लवंडा का नाच देखेंगे नहीं, देखे होंगे, वो क्या बन करके नाचता है, औरत बन करके नाचता है, दाढ़ी मूछ बना लेता है, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लेता है, लगता है औरत के जैसे। औरत तो तुम बन गए, औरत का गुण ला सकते हो क्या? भेष पहन सकते हो, भेष धारण कर सकते हो, गुण को लाना कठिन है, गुण नहीं ला सकते। वैसे ही सीता जी का रूप तो ले ली, लेकिन आगे आगे चल चल, जब भगवान पहचान गए तो भागी गई शंकर जी के पास। बोली का देवी ले ली परीक्षा? बोले ना ना, क्या प्रभु का क्या परीक्षा लेना। शंकर जी तो समझ गए, इनको तीन बार समझाए या नहीं समझी तो इतना जल्दी कैसे समझ जाएंगे। थोड़ा हाईलाइट में देखें तो हुआ क्या, केस क्या हुआ, तुरंत आंख बंद किए, तुरंत आंख बंद करके देख रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारी माँ का रूप धारण करी है।
हमारा सनातन कैसा था, हमारा सनातन कैसा था। शंकर जी के भावों को समझने का प्रयास करिएगा। शंकर जी ने देखा कि सती हमारी माँ का रूप ले रखी है और ये हमारी पत्नी है। अगर एक बार ये हमारी माँ का रूप ले ली तो जब भी ये हमारे पास आएंगी तब इनमें तो मेरी माँ दिखाई देगी। अब इनके साथ तो संसारिक धर्म निर्वाह हो ही नहीं सकता, इनके साथ तो संभव ही नहीं है। उसी समय तुरंत शंकर जी संकल्प लेकर के सती का त्याग कर दिया। मनी मन बोले नहीं सती से, बस सती पूछती रह गई, प्रभु क्या संकल्प लिए, क्या संकल्प लिए, क्या संकल्प लिए, लेकिन बताए नहीं शंकर। तो क्या कर लिए, समाधि में चले गए। बोले जब पत्नी से मतलब ही नहीं तो समाधि में चले गए। अपराध अपराध अगर होने लगे तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। ये शंकर जी हनुमान जी।